महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी और सरकार दोनों के लिए आई अच्छी खबर। अगस्त महीने में थोक महंगाई दर 3.74% रही, जबकि जुलाई में थोक महंगाई दर 5.19% रही थी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरने के मद्देनजर सरकार को डीजल कीमतों को नियंत्रण मुक्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुद्रा स्फीति में गिरावट रिजर्व बैंक के पूर्वानुमान के अनुसार है। उच्चतम न्यायालय ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को सीबीआई निदेशक के घर पर आने जाने वाले लोगों की सूचना उपलब्ध कराने वाले स्रोत का खुलासा करने का निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालय ने भूषण को निर्देश दिया कि वह विसल ब्लोअर का नाम सीलबंद लिफाफे में सौंपे। SFIO ने शारदा घोटाले की जांच में 14 कंपनियों को पोंजी स्कीम चलाने, कंपनी कानून, सेबी कानून समेत अन्य कानूनों का उल्लंघन करते हुए पाया। जांच में शारदा समूह की कंपनियों का सेबी और सीबीआई से साक्ष्य साझा करने के लिए भारतीय दंड संहिता के कई प्रावधानों का उल्लंघन का मामला सामने आया। जम्मू कश्मीर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अब तक 1,84,000 से अधिक लोगों को बचाया गया। राज्य में राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। सेना, NDRF और राज्य प्रशासन बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों से पीड़ितों को सुरक्षित निकालने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सीटों की साझेदारी को लेकर शिवसेना भाजपा गठबंधन में तनाव गहराया। भाजपा ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के इस बयान को खारिज कर दिया कि भाजपा की जीत की स्थिति में मुख्यमंत्री पद शिवसेना के पास जाएगा। शुरुआती कारोबार के दौरान शेयर बाजार में देखी गई गिरावट, सेंसेक्स 185 अंक की गिरावट के बाद 26,875 अंक पर खुला। वहीं निफ्टी 71 अंक कमजोर होकर 8,034 अंक पर पहुंचा। आज के शुरुआती कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपया 32 पैसे कमजोर होकर 60.97 रुपये प्रति डॉलर पर खुला। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान रुपया 28 पैसे बढ़कर 60.65 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा कि जिन लोगों ने ब्रिटिश नागरिक डेविड हेंस का सिर कलम किया है उन्हें पकड़कर इंसाफ के कटघरे में लाया जाएगा। कैमरन ने सरकार की एक आपात बैठक के बाद कहा कि आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट से निपटने का ब्रिटेन का संकल्प और मजबूत हुआ है। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। दुनिया भर के करीब 162 देशों में ये आयोजन हो रहा है। इस साल की थीम युवाओं की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी रखी गई है। दूरदर्शन आज अपने स्थापना की 56वीं सालगिरह मना रहा है। लोक प्रसारक के रूप में दूरदर्शन ने आधी सदी से ज्यादा की यात्रा तय करते हुए देश के लोगों के लिए हमेशा उच्च गुणवत्ता युक्त कार्यक्रम प्रस्तुत किए।